नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मैं DNS के लिए भी लाया हूं, GP रेटिंग वालों के लिए भी लाया हूं, सैलून रेटिंग वालों के लिए भी लाया हूं। तो इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो ये जो GP रेटिंग करना चाहते हैं, DNS करना चाहते हैं या फिर सैलून रेटिंग करना चाहते हैं, वो सारे इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा। और अपना फीडबैक ज़्यादा से ज़्यादा दें कमेंट बॉक्स में, बहुत लड़कों ने कमेंट बॉक्स में दिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरे सब्सक्राइबर्स तो ज्यादा नहीं है, जो ही है 5000 6000, बिकॉज आप लोग करते हो, उसमें से करीबन 90 या 100, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा, 100 लड़कों का सिलेक्शन हो गया विथ स्पॉन्सरशिप। सिलेक्शन तो बहुतों का हुआ है, जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली, उन्होंने मेहनत की, चीजों को समझा, उन्होंने चीजों को समझा कि जॉब क्या है, कैसे जॉब मिलती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब। ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद है कि बस सीधे एंट्री घुस जाना, नहीं, यहाँ पे आपको शिप मिलना भी जरूरी है, तभी आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, आपका पेशेंस चाहिए मुझे, सिर्फ मात्र 10 मिनट, 10 मिनट्स बैठेंगे आप तो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये कोर्सेज क्या हैं। फिर मैं आपको BSc नॉटिकल साइंस के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ GP रेटिंग वालों के लिए। अभी GP रेटिंग बहुत पॉपुलर कोर्स चल रहा है, बिकॉज सब सुनते हैं GP रेटिंग और पागल हो जाते हैं कि हम GP रेटिंग क्यों। इसके पीछे ये रीजन है कि GP रेटिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो 10th, वो कोई भी पास कर लेता है आजकल। 10th में 60-50% चाहिए, तो आजकल तो 90-95-98-99, जितनी ज्यादा परसेंटेज है 100% वाले भी हैं। बट दोस्तों, इस चीज का याद रखना, क्योंकि आप जब 10th करते हैं या 12th करते हैं तो आप पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं, आप उस चीज को समझते नहीं है। आपका मतलब सिर्फ आपसे नहीं, उसमें मैं भी हूं, मतलब जब मैं उस एज में था, या कोई भी है, आपके फादर भी हैं या कोई भी है, वो हर कोई वही एज क्रॉस करता है। यहाँ पे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि आखिर हमको काम क्या करना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि अगर 10th बेस पे आप जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे सैलरी पे भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, 10th बेस पे भी प्रोग्रेस कर सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, लेकिन सेम टाइम अपनी सिचुएशंस को सुधारिए। अभी कई बोलते हैं सर हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, हम क्या करें। तो दोस्तों, अगर उनको ज़्यादा लग रहा है, इनसिक्योर टाइप का फील हो रहा है, तो मत ज्वाइन करिए अगर वो एग्री नहीं हो रहे हैं। क्योंकि आज आप उनसे झगड़ कर, उनके अगेंस्ट होकर ज्वाइन करोगे, कल को आपको प्रॉब्लम होगी तो वो बोलेंगे साफ कि देखो भाई, मैंने तो मना किया था, तुमने अपनी मर्जी से किया है। वहां पे ये वाली बात आ जाती है। अगर पेरेंट्स नहीं मना कर रहे हैं तो उनको, मतलब आपकी इच्छा क्या है उनको समझना चाहिए। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, भले ही वो मर्चेंट नेवी हो या कोई भी प्रोफेशन हो, उस में जाने से पहले उसको समझिए। सीधे आपको किसी ने बोल दिया कि भैया GP रेटिंग करके 1-1.5 लाख रुपए कमाओगे, ऐसा नहीं है कि मतलब अंधों की तरह कूद पड़ो, नहीं, यहाँ पे आपको समझना है। आपको दोस्तों पता होगा, काफी लड़के इंडिया में 60% ऐसे हैं, 70% ऐसे हैं, या 80% ऐसे हैं जिन्होंने JP रेटिंग तो कर ली मगर उनको जॉब नहीं मिली। बाद में कईयों ने एजेंट को पकड़ा, मुंबई गए, उनके पैसे फंसे, कहीं दूसरी कंट्री में जाके ब्ला ब्ला, बहुत दुनिया भर की चीजें। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा टाइम मेरा वही समझाने में लग जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला, कोई भी जॉब करते हो, अगर आपको 100% श्योर हो कि हाँ भैया मेरे को यहाँ पे जॉब लगेगी, मेरी वीडियोज में मैं काफी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं सारा बेसिक में आपको यहाँ से बताना नहीं चाहता। तो यहाँ पे आपको जॉब की इंपॉर्टेंस समझनी है कि GP रेटिंग करके क्या आपको जॉब मिलेगी, वो इंस्टीट्यूट जॉब देगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों का, वो अच्छे से एलोबरेट करेंगे कि भैया 2.5 एकड़ में जमीन है, 1 एकड़ में स्विमिंग पूल है, 10 एकड़ में झूला है, 15 एकड़ में बाहर समोसे वाला आता है। उस सब से आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे मेन प्रायोरिटी आपकी है जॉब। क्या आपकी नौकरी, भले ही एक कमरे में आपकी ट्रेनिंग हो, लेकिन आपको जॉब मिलेगी क्या, मेन पर्पस है। क्योंकि अगर आपको जॉब मिलेगी, आप ट्रेनिंग कर पाओगे, तभी आप वॉच कीपिंग निकाल पाओगे, तभी आप अपना COP निकाल पाओगे। लेकिन जब ट्रेनिंग ही नहीं कर पाओगे तो COP और वॉच कीपिंग कहां से निकलोगे, है ना। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर ऐसा बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, आप लिख सकते हो, यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। मैं, ऐसा नहीं है कि मेरी मेरी तारीफ करते रहिए कि सर यू आर माई आइडल, यू आर माई इंस्पायरेशन, जो भी है। ऐसा नहीं कि मेरी, मतलब जो आपको फैक्ट लगे वो लिख सकते हो। यहाँ पे मेन प्रायोरिटी आपकी जॉब की है, क्योंकि अगर एक बार आप 3 लाख 4 लाख रुपए लगा देते हैं तो आपके पेरेंट्स को भी एश्योर होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे बच्चे को जॉब लग जाएगी। और ऐसा GP रेटिंग में होता नहीं है,
ऐसा बहुत ही कम इंस्टीट्यूट है, मतलब ना के बराबर है, जो शुरू में स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। अभी आज किसी का मेल पैकेट आया, उसने मुझे भेजा कि सर मेरा गोरखपुर से आ गया है, बड़ा बढ़िया से इंडियन पोस्ट ऑफिस की स्टैंप स्टैंप लगी हुई थी, बढ़िया से मोहर वोहर बढ़िया लगा के लग रहा था कि भैया किसी का एनडीए में सिलेक्शन हो गया है, बट खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने कहा भाई यहाँ पे जाओगे फंस जाओगे। इसी तरीके से किसी का बनारस से, किसी का पटना से, किसी का मुजफ्फरपुर से। मैं ये नहीं कहता ये जगह छोटी है, बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद एक बिहारी हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप पैसे दे रहे हो, आपको ओपन सीडीसी दे देंगे वो, जो कि आप 10,000 में खुद बना सकते हो, 10,000 में खुद बना सकते हो वो ओपन सीडीसी लेके, ना जॉब मिलने वाली है ना कैरियर मिलने वाली है। तो दोस्तों जीपी रेटिंग का ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको एडवाइस किया था अप्रोच टू ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट। ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में क्या खासियत है, वो खुद का इंस्टीट्यूट है, उनके पास खुद के शिप्स हैं। अगर आप वहां से करते हो तो वो अपने शिप पे प्लेस करते हैं, उसके अलावा भी कई कंपनीज वहां अप्रोच करती हैं, तो यहाँ पे आपके चांसेस और हो जाते हैं। मतलब आप 100 की जगह 150% श्योर हो कि आपको जॉब लगनी ही लगनी है। इसके लिए मैं सही बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट से मेरा टाई अप है। सो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, बाकी कोई ऐसा कंपनी वाला इंस्टीट्यूट जिन्होंने जिनकी खुद की कंपनी हो, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हो, वहां से आप जीपी रेटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको जीपी रेटिंग के बारे में। यहाँ पे मैं बेसिक रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एज की रिक्वायरमेंट की, जो कि मैं पहले की वीडियोस में भी बात करता हूँ। अब आइए डीएनएस के लिए। तो डीएनएस को मैं सबसे बेस्ट क्यों मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि डीएनएस में आपकी स्पॉन्सरशिप शुरू में ही मिल जाती है। शुरू में ही हमको लेटर मिल जाता है कि भैया ये देखो ये हमारा पेपर है, हम यहाँ से 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, 12 महीना यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद आप 2-3 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी है वाट एवर 1 साल आप मुझे शिप पे चढ़ा दोगे। शिप पे मैं अपनी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग पूरा करूंगा सक्सेसफुली, फिर उसके बाद कैडेटशिप सॉरी सेकेंड मेट का एग्जाम दूंगा, फिर आपको वही कंपनी ले लेगी। आपको जॉब के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वही अगर आप विदाउट स्पॉन्सरशिप जाते हो, बिना स्पॉन्सरशिप के जाते हो, बिना किसी कंपनी के जाते हो, तो आपको भटकना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा। ये डिफरेंस होता है डीएनएस में। अब डीएनएस में भी कोई ज़्यादा कोई बहुत बड़ा हाईफाई रूल नहीं है। डीएनएस में भी आपको 12th चाहिए, पीसीएम से चाहिए, और ये याद रखना मोर देन 65% हो, 60% रिक्वायरमेंट है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 65% हो, और जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो आप ये डीएनएस को मैं इसलिए बेस्ट मानता हूँ, और इसकी फीस भी लिमिटेड है। वही अगर आप कंपेयर बीएनएस में आ जाएं, अब मैं डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस में डिफरेंस बता रहा हूँ, अगर वही आप बीएससी नॉटिकल साइंस में जाओगे तो दोस्तों वो 3 साल का कोर्स है, और वहाँ पे आपको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। वहाँ पे आप 3 साल पूरे करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस और आपके 12th के मार्क्स के बेस पे तब डिसाइड होगा कि भले ही आपको कोई कंपनी लेगी कि नहीं लेगी। तो और एक बैच में अगर 70-80 बच्चे हैं तो उसमें से 10 या 20 को या मैक्सिमम 30 को कंपनी लेगी, या हो सकता है 40 को, बट वो 40 तो बेरोजगार रहे। अब वो 40 कहाँ जाएंगे, तो वो कंपनीज में अप्रोच करेंगे, तो कंपनीज के पास तो ऑलरेडी अपने कैडेट्स हैं। तो यहां से ये प्रॉब्लम आनी, सिचुएशंस जो होती है वोस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ये वीडियो को ध्यान से मैंने बोला था कि ध्यान से सुनना, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि क्यों है डिफरेंस। सेम सैलून रेटिंग, सैलून रेटिंग का भी काफी चल रहा है। काफी मुझसे पूछते हैं कि सर डायरेक्ट मैं कुक में ज्वाइन कर सकता हूं? नहीं, मेरा सिंपल सा आंसर है नहीं। उसके लिए अगर सैलून रेटिंग कर रहे हो तो पहले आपको सैलून रेटिंग का प्रीसी ट्रेनिंग करना होगा, जो कि 6 मंथ या 1 ईयर का है। वो प्रीसी ट्रेनिंग करने के बाद फिर वहाँ भी सेम यही जॉब का प्रोसेस है। तो मेनली यहाँ पे आपको स्पॉन्सरशिप और जॉब का देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हमें जॉब प्रोवाइड करा सकता है, कौन सा नहीं करा सकता है। अगर जॉब प्रोवाइड नहीं होगा तो ट्रेनिंग करके क्या फ़ायदा? आप अगल बगल में हल्ला भी कर दोगे कि भैया लड़का मर्चेंट नेवी में चला गया, बाद में होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए प्रॉपर तरीके के साथ चलिए, भले ही कोई कोर्स ज्वाइन करिए, मगर आपकी जॉब गारंटी हो, जॉब सिक्योरिटीज हो। मेरा चैनल इसी सबसे रिलेटेड है, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा। इस चैनल में आपको सब डीएनएस, जीपी रेटिंग, सैलून रेटिंग, फिटर का, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का, या फिर जो आर्मी में जो आर्म गार्ड में जाते हैं बाद में रिटायर होके, इन सबसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ, जो लड़के यहाँ पे आना चाहते हैं या जो शिपिंग लाइन में आना चाहते हैं, आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं उनके साथ, उनको मेरा लिंक आप दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि दूसरों की वीडियोस मत देखो, देखो अच्छी बात है, हमें देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक से एक बड़े यूट्यूबर्स हैं, बढ़िया बढ़िया कैमरे हैं, निकन का है, पता नहीं कौन कौन से, गोप्रो है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए, मुझे भी रखना चाहिए, मगर
प्रायोरिटी आपकी कैमरा नहीं है, प्रायोरिटी आपकी नॉलेज है और आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। होपफुली मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी एंड आप अपने थॉट्स इस वीडियो में ज़रूर रखिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है या कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ पर्सनल मैसेज भेजना चाहते हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। मैं फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट थॉट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।